अपना एफ एक्स इक्वल टू 6 रेज टू x प्लस 3 रेज टू x प्लस 2 माइनस x प्लस 3 रेज टू माइनस x प्लस 2, यानी ये रेंज ऑफ फंक्शन। हेलो गाइस, ए आई टी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको हम देख रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको देखिए बच्चा कि क्या करना है, ले लेना है, ठीक है ना। तो आप इसका ग्राफिकल ओवरव्यू भी देख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू क्या दे रहा है। मिनिमम वैल्यू तो यहाँ पे क्या है, 0.6 है। जब आप पॉजिटिव लेते हो तो देखिएगा ये दोनों निगेटिव जा रहा है ना, और बाकी सब तो कुछ इस तरह से बढ़ रहा है, और इस तरह में भी क्या हो रहा है, इस तरह से ग्राफ ये बढ़ रहा है ना। तो रेंज ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हो तो ये क्या दे रहा है, 6 to ∞। क्या दे रहा है बच्चा, 6 to ∞। और ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से भी हम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रेंज ऑफ फंक्शन आप निकाले हैं, ठीक। थैंक्स, राइट ऑन। अब नेक्स्ट में आते हैं बच्चा, जो अपने पास है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में आप देखिएगा कि एफ एक्स इक्वल टू, पहला है वेरी सिंपल क्वेश्चन लाइक दैट दिस, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन में आइए बच्चा कि आप इसमें कुछ जानते हो, तो साइन एक्स का क्या होता है, -1 to 1। अब देखिए कि साइन में क्या क्या वर्क किया हुआ, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, तो 2 से मल्टीप्लाई, यानी -1 into 2 लेस देन इक्वल टू 2 sin x और लेस देन इक्वल टू 1 into क्या, 2। तो -2 लेस देन इक्वल टू 2 sin x लेस देन इक्वल टू 2। अब ऐड है तो -2 + 3 लेस देन इक्वल टू 2 sin x लेस प्लस 3 और लेस देन इक्वल टू 2 + 3। तो 1 < 2 sin x प्लस 3 < 5, यानी रेंज ऑफ फंक्शन की बात किया जाए तो 1 to 5, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को बच्चा, इसी क्वेश्चन को रिसिप्रोकल कर दिया जाए कि 2 sin x + 3, ठीक है ना। 1/2 sin x + 3 का रेंज मांग रहा है। तो आप यहां तक अगर आप समझ रहे हैं, इसी क्वेश्चन को मैं उठा रहा हूं, तो इसी क्वेश्चन को जब उठा रहे हैं तो आप क्या बोल रहे हैं कि इसका तो निकाल चुके हैं, 1 < 2 sin x + 3 > 5 क्या हो गया, 5। रेसिप्रोकल कर देना है, क्या कर देना है, रेसिप्रोकल। तो देखिए तो बच्चा ये क्या हो गया, 1/5 < 2 sin x + 3 > 1, यानी रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गया, 1/5 to 1, ठीक है ना। तो ये अपने को क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। बच्चा ध्यान दीजिएगा कि ये मैंने लाया कहां, तो पिछले क्वेश्चन को ही मैंने यहां पे क्या किया है, कैरी किया है, ठीक है, नो डाउन। ठीक है, देखिए अब यही क्वेश्चन अगर रहा बच्चा कि 2 sin x - 3, राइट ना, इसको देखना है। तो आप सॉल्यूशन में क्या देखते हैं कि साइन एक्स लेस देन इक्वल टू -1 to क्या है, 1। अब 2 तो -1 into 2 < 2 sin x < 2 क्या, 1 into 2। तो -2 < 2 sin x > क्या हो गया, 2। तो अब देखिए बच्चा कि क्या है, सब्ट्रैक्ट है तीनों तरफ, तो 2 sin x - 3 > क्या, 2 - 3। तो -5 < 2 क्या हो गया अपने पास, 2 sin x - 3 - 1। यानी रेंज ऑफ फंक्शन की बात जब किए
तो माइनस फाइव टू माइनस वन, क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन में बच्चा इसका रेसिप्रोकल करता है कि एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू साइन एक्स माइनस क्या थ्री है, तो आप यहीं से उठाना, यहीं से उठाइए कि क्या है, ठीक है ना। तो रेंज ऑफ फंक्शन जब उठा रहे हैं तो अपने पास क्या बोलेंगे कि टू साइन एक्स का भी आपने निकाला है माइनस फाइव टू माइनस वन, रेसिप्रोकल कर देते हैं बच्चे अपने पास, है ना। तो ये देखिए तो क्या हो गया, माइनस वन लेस देन इक्वल टू वन अपॉन टू साइन एक्स माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू माइनस वन बाई फाइव, यानी रेंज ऑफ फंक्शन की बात करोगे बच्चा तो माइनस वन से माइनस वन बाई फाइव, ठीक है, नो डाउट। ठीक, अब एक और देखते बच्चा कि एफ एक्स इक्वल टू हम ले लेते हैं, देखिएगा कि थ्री साइन एक्स है ना माइनस टू, थ्री साइन एक्स माइनस टू, तो यहां से आप निकालिए बच्चा कि सॉल्यूशन में क्या हो गया, साइन एक्स जानते हैं माइनस वन टू वन, ठीक है। अब तीनों तरफ माइनस वन इंटू थ्री लेस देन इक्वल टू थ्री साइन एक्स लेस देन इक्वल टू वन इंटू थ्री, तो माइनस थ्री इंटू टू लेस देन इक्वल टू थ्री साइन एक्स, और क्या हो गया अपने पास, सॉरी बच्चा माइनस टू है तो माइनस टू लेस देन इक्वल टू थ्री माइनस टू। अब देखिए क्या हो गया, माइनस फाइव लेस देन इक्वल टू थ्री साइन एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू वन, सो रेंज ऑफ फंक्शन क्या, व्हाट, तो माइनस फाइव टू वन। अब इसी में देखना है बच्चा इसी क्वेश्चन को अपने को क्या कर रहा है, इसी क्वेश्चन में देखिए कि रेंज ऑफ फंक्शन क्या कर रहा है, तो वन अपॉन थ्री साइन एक्स माइनस टू। यहां से ध्यान दीजिएगा कि निगेटिव टू पॉजिटिव है ना, तो निगेटिव टू पॉजिटिव है, तो पहले तो इसको आप यहां से कैरी कर लीजिए कि थ्री साइन एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू क्या है, तो माइनस फाइव से चला है, कहां से चला बच्चा, तो माइनस फाइव टू वन है। अब इसका रेसिप्रोकल करना है ना, तो एक करेगा क्या, रेसिप्रोकल जीरो तक चलेगा, ध्यान दीजिएगा कि माइनस वन बाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि माइनस फाइव लेस देन इक्वल टू थ्री साइन एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू क्या, जीरो, ठीक है ना। और हम क्या लिख सकते हैं, जीरो लेस देन इक्वल टू, जीरो लेस देन इक्वल टू थ्री साइन एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू वन, दोनों का रेसिप्रोकल कीजिए फटाफट, तो क्या लिखेंगे, माइनस वन बाई फाइव लेस देन इक्वल टू वन बाई थ्री साइन एक्स माइनस टू लेस देन वन बाई जीरो, यानी ये बच्चा क्या आ रहा है यहां से, तो माइनस वन बाई फाइव टू इनफेनाइट। और देखिएगा बच्चा इसको भी कर देते हैं, तो चलो और लिख लेते हैं ना, तो वन बाई जीरो लेस देन इक्वल टू वन अपॉन थ्री साइन एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू वन बाई वन, है ना। तो अब यहां से जब देख रहे हैं बच्चा, यहां से देखिएगा कि अपने पास है ना कि ए ले रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए तो एक क्या हो रहा है, माइनस इनफिनाइट से माइनस वन बाई फाइव यूनियन क्या, वन टू इनफिनाइट, यूनियन क्या हो रहा है बच्चा, वन टू इनफिनाइट, राइट डाउन। ठीक है,